हैं रॉयल 92 न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डलेवाली का इलाका रंग के अंदर और हमारे साथ जनाब चौधरी साकब भट्टी साहब इंशाल्लाह बराए MPA तो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आप इंशाल्लाह MPA आप अगर आपको सीट मिल जाती है तो आप इस इलाके की बेहतरी के लिए क्या इकदाम करेंगे? देखिए भाई, मैं इस हलका से पहले चेयरमैन रह चुका हूँ और अल्लाह के फजल करम से मेरे जो चेयरमैन के 7 साल गुजरे हैं, मैंने अपने हलके की वाम से ऐसे मिलजुल के रहा हूँ कि उनको फील ही नहीं होगा मैं चेयरमैन हूँ, उनका छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, उनका बेटा हूँ। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह मुझे MPA बनाता है तो मैं इंशाल्लाह इस हलके के लिए, इस इलाके के लिए बेहतरी के रास्ते निकालूंगा इंशाल्लाह। जो जिन चीज़ों से ये हमारा इलाका महरूम है, हमें पहले MPA MNA ने हमारे इलाके को इग्नोर किया है, हमें रोड नहीं दे, हमें गलियां नहीं दी और हम समझते हैं कि ये जो जंग हमने शुरू किया, हमने अपना हक छीनने के लिए शुरू किया है और हमारा ये हक बनता है, हमारे हलके का हक बनता है। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह मुझे MPA बनाता है और मैं अपने कायद इमरान खान साहब का बेहद मशहूर हूँ, मुझे वो टिकट से नवाजते हैं और मैं इंशाल्लाह ताला आपसे ये वादा करता हूँ कि ये जो PP 45 है, ये एक नमाया हलका नज़र आएगा अल्लाह के फजल करम से और ये हलका यहाँ नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊँ ये पूरे पंजाब में वाजिया नज़र आएगा कि PP 45 किस जगह पे हलका है। वो इसलिए नहीं कि मैं अपने हान, अपने लीडर, अपने कायद इमरान खान के लिए उसके VN पे इतनी मेहनत करूंगा कि हमारा PP 45 अल्लाह के फजल में पूरे पंजाब में नजर आएगा। अपने मुखालफीन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने मुखालफीन को ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो समझते थे ना कि हमें वाम का वोट नहीं चाहिए, हम घर बैठे इलेक्शन जीतते हैं, अल्लाह के फजल के मेरा उनसे पैगाम है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो अवाम की कदर नहीं करेगा वो अल्लाह के फजल में कभी कामयाब नहीं होगा और इस दफ़ा अल्लाह के फजल करम से मैं अपने अवाम को नमाया नज़र आने दूंगा अल्लाह के फजल को। जो कहते थे ना हम किसी खुशी पे नहीं जाते, किसी काम पे नहीं जाते, किसी हमें बगैर मांगे लोग वोट देते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि वो घर घर जाएंगे, एक एक बंदे का नाम याद करेंगे, यही मेरी जीत होगी इंशाल्लाह ताला। जो चाहते थे कि हम घर बैठे बगैर किसी से वोट मांगे हम MPA बनते थे, इस तरह वो नहीं होगा, इंशाल्लाह मुकाबला होगा, इंशाल्लाह आवाम की कदर होगी अल्लाह के फजल करम से। जी बहुत शुक्रिया सर। जी नाजरीन, तो हमारे साथ साकब भट्टी साहब मौजूद थे, आप इनसे बात कर रहे थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।